पेश करते हैं विस्तार से ये बुलेटिन। हिमाचल प्रदेश के सियासी उफान को लेकर जिस प्रकार से आज दिल्ली की तरफ तमाम प्रदेश के लोगों की निगाहें थी, आखिरकार उस पर आज फैसला आ गया। 6 बागियों को स्टे देने पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। विधानसभा स्पीकर, सचिव समेत संबंधित प्रतिवादियों को इस मामले में नोटिस जारी किया गया है। हिमाचल के 6 बागियों को सुप्रीम कोर्ट से आज भी राहत नहीं मिली। 6 बागी हुए कांग्रेस के नेताओं को स्टे देने के लिए कोर्ट ने ये पूरा मामला खारिज कर दिया। आज इस मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने फैसला सुनाया और कहा 1 सप्ताह के भीतर इसमें रिज्वाइंडर देने की छूट दी गई है। यानी कि जिस प्रकार से इस पूरे मामले में रिप्लाई दिए गए हैं, चाहे वो विधानसभा एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर राज्य सरकार हो, आज सुप्रीम कोर्ट में जो रिप्लाई दिए गए हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन जवाबों पर अगर चाहे तो 6 बागी अपना उत्तर दायर कर सकते हैं 1 सप्ताह के भीतर, इसमें वक्त दिया गया है। इसी बीच कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा और सचिव को भी नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। चुनाव आयोग से भी पूछा गया, क्या हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग तैयार है? मामले की अगली सुनवाई 6 मई को निर्धारित की गई है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं को आश्वासन देते हुए कहा इस मामले पर भारत के चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नामांकन दाखिल करने की तारीख से पहले अंतिम फैसला आ जाएगा, अंतिम फैसला सुना दिया जाएगा। इस मामले में प्रतिवादी विधानसभा अध्यक्ष और अन्य को नोटिस भेजा गया है। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश की इन 6 सीटों के उपचुनाव के लिए आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 7 मई को प्रोसेस शुरू होगा, क्योंकि इन सीटों पर मतदान 1 जून को निर्धारित किया गया है। अदालत ने बागियों को अयोग्य ठहराने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर रोक लगाने से भी साफ इनकार कर दिया और साथ में सदन की कार्रवाई में मतदान करने या भाग लेने की अनुमति भी नहीं दी। 6 बागियों की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश सालवे ने की, स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया और अन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी सुनवाई के दौरान मौजूद रहे। अब इस फैसले के बाद तय होगा कि 6 मई को कोर्ट अपना, हालांकि अब यह तय हो गया कि 6 मई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर अपना फाइनल फैसला सुना देगा। इसमें अगर बात की जाए तो उपचुनाव की तिथियों पर संशय बन गया, क्योंकि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद अब यह पक्का नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव जिस निर्धारित तिथि को घोषित किया गया है उसमें होगा। इन तिथियों पर अब संशय है, क्योंकि जो अंतिम फैसला आएगा उसके बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि क्या हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो क्या इस निर्धारित तिथि पर होगा या फिर आगे होगा। इसी के चलते आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने पारित आदेशों के दौरान केंद्रीय चुनाव आयोग से भी यह पूछा है कि बताइए इस चुनाव को लेकर कितनी तैयारियां, क्या उपचुनाव हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब इस फैसले के बाद बागियों की टेंशन जरूर बढ़ गई है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों ने राहत की सांस ली है। यह समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बागियों को टेंशन वाला, ये सबकी समझ में है कि बागियों की चिंता अब ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस क्यों, उन्हें राहत की सांस मिली है, क्योंकि अब दोनों ही पार्टियों के लिए कम से कम 47 दिन मंथन के लिए मिल गया है। क्योंकि जाहिर तौर पर यह चर्चा हो रही थी कि अगर यहाँ पर हाईकोर्ट के फैसले, विधानसभा के फैसले पर अगर आज सुप्रीम कोर्ट मोहर लगाता है तो उपचुनाव निर्धारित तिथि पर होगा और ऐसे में प्रत्याशियों का चयन करना यहाँ पर भाजपा के लिए भी आसान नहीं होगा। जिन 6 विधायकों पर बागी होने का तगमा लगा, जिन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया, जिनके खिलाफ इतने संगीन आरोप लगे, क्या भारतीय जनता पार्टी उनको 6 के 6 प्रत्याशियों को टिकट दे पाती या नहीं, यह बड़ा सवाल था। इसलिए भाजपा को जरूर आज संतोष आया होगा कि उन्हें सोचने के लिए कम से कम 47 दिन का वक्त लग गया। और यहां पर अगर लोकसभा के साथ ही चुनाव होता तो प्रत्याशियों के चयन के लिए भी दोनों पार्टियों के पास 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त है। नंबर 2, इस मामले में समझना बेहद जरूरी है, अब लोकसभा में बागियों की उम्मीदवारी की चर्चाओं पर भी विराम लग गया है। गाहे बगाहे इस बात की चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस के बागी सुधीर शर्मा को कांगड़ा चंबा से लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है, ये चर्चा चल रही थी, लेकिन अब ये इसलिए संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर सुधीर शर्मा के नाम पर विचार भी होता या टिकट दिया जाता है तो यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ पूरी तरह से साबित हो जाएगा और ये तय हो जाएगा कि इन्होंने वाक्य ही दल बदल विधेयक के तहत काम किया। इसलिए सुधीर शर्मा को टिकट नहीं मिलेगा, इन चर्चाओं को विराम लग जाएगा और भाजपा के 2 शेष टिकट भी घोषित हो जाएंगे। इस बारे में
भी अब पूरी तरह से प्लानिंग चर्चा शुरू हो गई है। अब इस पूरे मामले पर पूरे मामले को लेकर देखें तो 6 मई का दिन काफी महत्वपूर्ण होगा। उस दिन अगर विधानसभा के फैसले पर मोहर लगी तो सभी 6 बागियों के चुनाव लड़ने या न लड़ने का भी फैसला आएगा, क्योंकि ये काफी रोचक है। यहां अगर इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो क्या ये भविष्य में चुनाव लड़ पाएंगे या कितने समय तक नहीं लड़ पाएंगे, ये भी पूरी तरह से संविधान का जिस प्रकार से जिस आर्टिकल में दल बदल विधेयक का उल्लेख किया गया उसमें यह देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या अपना अंतिम फैसला देता है। रोचक है कि राज्यसभा चुनावों में बड़ा खेला करने वाले इन 6 बागियों के भविष्य पर अब सवाल उठ गए हैं, क्योंकि अगर उपचुनाव भी होता है तो क्या भाजपा इनको टिकट देगी, ये सबसे बड़ा सस्पेंस बन गया है। उल्लेखनीय है अगर आप, क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी का इन दिनों जिस प्रकार का प्रोफाइल है उनका आप कामकाज देख रहे हैं, कार्यशैली केंद्रीय हाईकमान की है, मुख्यमंत्री के सिंहासन को ताश के पत्तों की तरह फेंटने वाली भाजपा क्या 6 बागियों पर दाव खेलेगी, ये कहना बेहद मुश्किल है। क्योंकि जो पार्टी अपने मुख्यमंत्रियों को चुटकी में बदल देती है, बड़े से बड़े दिग्गजों के टिकट काट देती है, क्या वह इन बागियों को 6 के 6 बागियों को टिकट देगी, ये काफी यहां पर दिलचस्प हो गया। तमाम लोगों की निगाहें इस पर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में टिकट लेना एकमात्र पैमाना एकमात्र आधार है बिनीबिलिटी। तो भाजपा ये जरूर देखेगी क्या ये 6 के 6 बागी, लेकिन ये भविष्य की बातें हैं, आने वाले वक्त की बातें हैं, क्योंकि अभी तक ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट 6 मई को क्या अंतिम फैसला सुनाता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। 47 दिन का वक्त है, भाजपा अपना होमवर्क अभी से शुरू कर देगी और सबसे पहले जमीनी स्तर पर ये देखेगी क्या ये जितने भी 6 बागी हैं इनमें बिनीबिलिटी है, जीत हार की तमाम संभावनाओं को तलाशेगी। लेकिन साथ में कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस जरूर इस मामले में एक बड़ी एनर्जी कांग्रेस को मिली है, जिस प्रकार का फैसला आया कांग्रेस के लिए भी 47 दिन का वक्त मिल रहे हैं। ये सब सुप्रीम कोर्ट का 6 मई को फैसला आने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर होगा क्या। इसी बीच केंद्रीय चुनाव आयोग ने आज हिमाचल प्रदेश के गृह सचिव अभिषेक जैन को हटाने के आदेश पारित किए। इसके तुरंत बाद उन्हें हटा भी दिया गया। आरोप है कि अभिषेक जैन मुख्यमंत्री के सचिव हैं और गृह सचिव को चुनावों में सुरक्षा बलों से संबंधित बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। इसके अलावा सूचना यह भी है कि मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर जिनके पास GAD जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उन्हें भी प्रभार मुक्त किया जा सकता है, लेकिन अभी तक आधिकारिक चिट्ठी कार्मिक विभाग के पास इस प्रकार की नहीं आई है, क्योंकि इसके पीछे भी बड़ी जाइए कि मुख्यमंत्री के सचिव हैं राकेश कंवर और GAD को चौपर को लेकर मूवमेंट, चौपर की मूवमेंट पूरी तरह से GAD पर निर्भर करती है, GAD की डायरेक्शन पर करती है, इसलिए अभिषेक जैन को हटाया गया। सेक्रेटरी होम थे और तमाम सुरक्षा बलों की डायरेक्शन तैनाती ये सेक्रेटरी होम का दायित्व होता है, लेकिन दोनों ही अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय में हैं। इसके चलते यहां पर सेक्रेटरी होम अभिषेक जैन को हटा दिया गया है, उनके जगह नए अधिकारी की हालांकि अभी की नियुक्ति नहीं हुई है किसे यह प्रभार दिया जाए, लेकिन सेक्रेटरी GAD राकेश कंवर का विभाग अभी तक नहीं बदला गया, क्योंकि कार्मिक विभाग के अनुसार ऐसी अभी तक चुनाव आयोग से डायरेक्शन नहीं आई है, लेकिन चर्चा क्यों ने भी हटा दिया जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग ने आज हिमाचल से 6 राज्यों गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड के गृह सचिव को हटाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को भी हटाने की बात कही है, इस प्रकार की चर्चा है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक DGP को हटाने के लिए भी अवश्य कार्रवाई की आदेश पारित किए हैं। सूत्रों के अनुसार मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव जो कि अपने संबंधित मुख्यमंत्री कार्यालयों में प्रभार संभाल रहे हैं उन्हें भी हटाने के लिए कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक पोल बाचडोग के वह मुंबई नगर आयुक्त सिंह चहल के साथ कई अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों को भी हटाने के आदेश दिए गए हैं। विभिन्न राज्यों में चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के चुनाव आयोग के प्रयासों के तहत ये निष्कासन किए गए हैं। ECI के ये घटनाक्रम निष्पक्ष चुनावी परिदृश्य को बढ़ावा देने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अखंडता को बनाए रखने उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लगातार इस प्रतिबद्धता पर जोर दिया है, जिसमें लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा करने वाली हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सभी शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि ECI की बैठक सोमवार दोपहर को बुलाई गई, जिसमें चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू शामिल हुए।
इन 7 राज्यों में मुख्यमंत्री कार्यालय में दोहरे प्रभार पाने वाले अधिकारियों को हटाने का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया के दौरान निष्पक्षता और निष्पक्षता में संभावित समझौते को कम करना है, विशेष रूप से कानून और व्यवस्था और बलों की तैनाती से संबंधित है। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के सरकारों को निर्देश दिए हैं कि वे चुनाव संबंधी कार्यों में लगे उन अधिकारियों का तबादला करें जिनका 3 साल का कार्यकाल या अपने गृह जिला में तैनाती है। आज कांग्रेस की दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। लोकसभा प्रत्याशियों पर मंथन होगा। मंडी से प्रतिभा सिंह के अलावा कोल सिंह और प्रकाश चौधरी के नाम लिए जा रहे हैं कि वह टिकट के नाम लिए जा रहे हैं। हालांकि चर्चा ये भी है कि प्रतिभा सिंह की जगह कोई और प्रत्याशी भी हो सकता है, लेकिन यह अभी तक मामला स्क्रीनिंग कमेटी में जाना है कि वाकई प्रतिभा सिंह एक बार फिर मंडी के रण से उतरती है या कोई नया प्रत्याशी आता है। हमीरपुर की बात की जाए तो सतपाल राय जादा, आस्था अग्निहोत्री, सुनील कुमार बिट्टू के नामों की चर्चा है। कांगड़ा से पूर्व मंत्री आशा कुमारी, धर्मवीर सिंह राणा, गोकुल बुटेल, इन नामों पर डिस्कशन चल रहा है। जबकि शिमला से पूर्व विधायक सोहन लाल जो कि सुमटी के पूर्व विधायक हैं, अमित नंदा, यशपाल तनाइक और कौशल मुंगटा जो कि युवा हैं, इनके नाम चल रहे हैं। इस मीटिंग के लिए बाकायदा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह दिल्ली रवाना हो गई। सीएम सुक्खू मुंबई से दिल्ली पहुंचे हैं और राजीव शुक्ला वहां पर मौजूद हैं। कल स्क्रीनिंग कमेटी में तमाम बड़े दिग्गज नेता वहां पर मौजूद रहेंगे, टॉप लीडरशिप मौजूद रहेगी। और स्क्रीनिंग कमेटी में जो नाम हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं उनमें 3-3 नाम फाइनल कर केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे जाएंगे। केंद्रीय हाईकमान तय करेगा कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के 4 कैंडिडेट कौन होंगे। कांग्रेस ने उपचुनावों के प्रत्याशियों पर मंथन करना शुरू कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, 47 दिन का वक्त मिला हमने पहले कहा। बावजूद इसके अब कांग्रेस ये देख रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से 6 मई को इन तमाम 6 बागियों को अगर डिस्क्वालीफाई करने के विधानसभा के फैसले पर मोहर लगती है तो इनके खिलाफ चेहरे कौन उतारे जाएं। इस कड़ी में धर्मशाला से देवेंद्र जग्गी के अलावा नीनू शर्मा के नाम की चर्चा हो रही है। बड़सर से नितिन शर्मा, एडवोकेट शर्मिला पटियाल, नरेश लखनपाल, इन नामों का जिक्र आ रहा है। जबकि कुटलैर से एक शर्मा और गगरेट से राकेश कालिया की प्रबल दावेदारी बताई जा रही है। सुजानपुर से कुलदीप पठानिया, जिनके कई पंचायतें हमीरपुर से सुजानपुर में गई, उनके नाम की चर्चा है। पूर्व मंत्री अनीता वर्मा के साथ कई अन्य नामों पर चर्चा हो रही है। जबकि लाहौल स्पीति से पूर्व मंत्री फुचुंग राय, रतन बोध, अनिल सहगल, प्यारे लाल, अनुराधा राणा जो कि जेडपी की चेयरपर्सन है, राजेश कोपा, कुंगा बोध और पूर्व विधायक रघुवीर सिंह के नाम चल रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल में एक बड़ा फैसला लिया गया जिसमें कहा गया कि तमाम विधायक अब शिमला से प्रस्थान करें, कूच करें, अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाकर चुनावों में डट जाएं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इन तमाम विधायकों को अपने चुनाव गृह क्षेत्र में जाने के आदेश दिए गए हैं। क्योंकि आज विधायक दल की मीटिंग थी जिसमें प्रिविलेज कमेटी को जवाब देना था। भाजपा ने तमाम प्रिविलेज कमेटी को भेजे अपने रिप्लाई में तमाम आरोपों को नकार दिया है। 9 विधायक इंदिर गांधी, विपिन सिंह परमार, विनोद कुमार, हंसराज, सतपाल सत्ती, दीप कुमार, लोकेंद्र कुमार, सुरेंद्र सोरी और त्रिलोक जम्बाल, इन 9 विधायकों के खिलाफ प्रिविलेज कमेटी ने नोटिस दिया और कहा था कि विधानसभा सत्र के दौरान बजट पारित होने से पहले जिस प्रकार इनका कंडक्ट था वह बेहद, उस पर शिकायत की गई थी। अजय सोलंकी जो कि कांग्रेस के नहन से विधायक है, उन्होंने शिकायत की थी। इस पर नोटिस के जवाब में आज रिप्लाई किया गया और तमाम भाजपा ने यह आरोप नकारे कि बिल्कुल मनगढ़ंत आरोप है, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने पूरी तरह से सदन के भीतर मर्यादा को बनाए रखा, अपने दायित्व के साथ पूरा निर्वहन किया। अब देखना है कि इस पर प्रिविलेज कमेटी क्या फैसला सुनाती है। हिमाचल प्रदेश में 1500 रुपये के फार्म भरवाने पर चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। भाजपा ने इसकी शिकायत भेजी है, कहा है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए 1500 रुपये देने के फॉर्म भरे जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी इसका विरोध करते हुए कहा कि चुनावी अधिसूचना जारी होने के बाद ही 1500 रुपये के फार्म भरवाने की याद क्यों आई। उन्होंने कहा कि आयोग इस पर बड़ी कार्रवाई करें। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जब विधानसभा का जनरल इलेक्शन था उस दौरान भी चुनावों के दौरान कांग्रेस ने 1500 रुपये के फॉर्म भराकर जनता को बेवकूफ़ बनाया था। करीब 1.25 साल बीत गया लेकिन ये 1500 रुपये नहीं दिए गए। अब लोकसभा चुनाव सामने आता देख एक बार फिर ये 1500 रुपये के फॉर्म भरने शुरू कर दिए हैं। आज हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में दो बड़े मामलों पर फैसला सुनाया गया। हाटियों को जनजातीय दर्जा देने वाली याचिका पर सुनवाई टली। यहाँ पर प्रदेश
कोर्ट ने सिरमौर जिले के ट्रांसगिर क्षेत्र के हाटियों की जनजातीय दर्जा देने की चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी। हाई कोर्ट ने संबंध में जारी कानून के अमल पर रोक लगा रखी है। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक इस रोक को बढ़ाने के आदेश जारी किए। कोर्ट ने जनजातीय विकास विभाग हिमाचल प्रदेश को के 1 जनवरी 2024 को जारी उस पत्र पर भी रोक लगाई जिसके तहत उक्त क्षेत्र के लोगों को जनजातीय प्रमाण पत्र जारी करने बाबत जिलाधीश सिरमौर को आदेश जारी किए थे। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई और अब इस मामले की सुनवाई 27 होगी। एक अन्य मामले में नलवाड़ मेले पर भी हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। प्रदेश हाईकोर्ट ने मंडी जिला के करसोग में जिला स्तरीय नलवाड़ मेले को आयोजित करने के उद्देश्य से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला करसोग के खेल मैदान को इस्तेमाल करने की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने स्कूल मैदान में साइंस एंड बुक फेयर के आयोजन की इजाजत दे दी। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने DC मंडी को सुनिश्चित करने को कहा कि आयोजनकर्ता साइंस एवं बुक फेयर की आड़ में नलवाड़ मेले का आयोजन ना करें। कोर्ट ने कहा नलवाड़ मेले के स्कूल परिसर में आयोजन से संभवतः आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी हो सकता है। हिमाचल प्रदेश के कॉलेज विश्वविद्यालयों की एडमिशन के बाद हिमाचल प्रदेश के लिए UGC ने बड़ा फैसला किया कि तमाम कॉलेज और विश्वविद्यालय में एडमिशन के बाद भी फीस लौटाने का प्रावधान होगा। UGC ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिया और कहा कि निर्धारित दिनों के तहत यानी कि 5 चरणों में 5 स्लैब बनाए गए हैं 10 दिन 15 दिन 20 दिन और इन निर्धारित दिनों के 5 अलग अलग स्लैब बनाते हुए कहा है कि अगर कोई बच्चा एडमिशन लेने के बाद अगर उसे लगता है कि उसे दूसरी स्ट्रीम में एडमिशन लेनी थी दूसरी जगह एडमिशन लेनी थी तो पूरी फीस वापस लौटानी पड़ेगी। इसके लिए अलग अलग स्लैब बनाए गए हैं और यह भी कहा है कि अगर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी आदेश नहीं मानती है तो UGC उसके बजट पर रोक लगा देगी। हिमाचल प्रदेश में TGT की नियुक्तियां पूरी तरह से फंस गई हैं क्योंकि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 3000 TGT के पद खाली हैं। 1023 TGT शिक्षक बैच वाइज यहाँ पर भर्ती की गई है लेकिन उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए। 1 अप्रैल से ग्रीष्मकालीन स्कूलों में नया सत्र शुरू हो जाएगा। ग्रामीण व दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षक की कमी हिमाचल प्रदेश में खल रही है। शिक्षकों की कमी से छात्रों की पढ़ाई यहाँ पर सत्र के शुरुआत में प्रभावित हो सकती है। इसके चलते राज्य सरकार चुनाव आयोग से अनुमति ले सकती है ताकि हिमाचल प्रदेश में TGT की नियुक्तियां हो सकें। हालांकि बजट के चलते ये भी बताया जा रहा था फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते 31 मार्च के बाद इन तमाम TGT को नियुक्तियां देनी थी लेकिन अब आचार संहिता लग चुकी है। ऐसे में क्या राज्य सरकार चुनाव आयोग से इसकी अनुमति मांगेगी और अनुमति मांगी भी जाती है तो क्या केंद्रीय चुनाव आयोग इसकी परमिशन देगा? ये बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ पर बैच वाइज भर्ती होने के बावजूद TGT को नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं और हिमाचल प्रदेश के स्कूल खाली हैं। कमोबेश JBT और शास्त्री की बैच वाइज भर्ती का भी अभी यहां पर तमाम जितने एप्लीकेंट्स हैं उनको इंतजार है।